हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर, मैंने यहाँ पे लिया है वनीला फ्लेवर। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो और आपको इजीली किराना शॉप पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 स्पून लिए कस्टर्ड पाउडर, 600 ml दूध लिया है, आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम मैंने थोड़े से इसको क्रश कर दिए थे। ये अखरोट है, ये गरी है और ये इलायची है। आप इलायची पाउडर भी ले सकते हो, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है तो मैंने ऐसे साबुत इलायची ली है। ये चीनी है, 4 स्पून चीनी लिया है और ये केले है, बनाने हैं। आप फ्रूट्स कोई भी ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले हम दूध को बॉयल करने रखेंगे। ये हमने दूध को बॉईल करने रख दिया है, गरम करने को रख दिया है। ये थोड़ा सा मैंने अलग निकाल दिया इसे दूध, ये 20 ml होगा। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची, इससे दूध में अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये मेरा दूध देख सकते हो आप, बॉईल हो गया है। अब हम इसको इतना बॉईल करेंगे, इसको अच्छे से बॉईल करना है कि ये हाफ हो जाए। इसको ऐसे ही हिलाते रहिए। दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि हाफ बॉईल होके हाफ रह जाए, ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से बने। अगर हम इसको ऐसे ही इसमें इतने ही दूध में कस्टर्ड को मिक्स कर देंगे तो हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा और अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना आपने मीठा रखना है। मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी भी घुल गई है हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और दूध हमारा हाफ बॉयल हो, मतलब पूरा बॉयल हो गया, मतलब हाफ रह गया है। अब हम बनाएंगे मिक्स करेंगे दूध के साथ वनीला पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए, अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे दूध में। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे, हमने इसको ऐसे हिलाते रहना है। अगर हम इसको ऐसे हिलाएंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे तो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और इसमें लम्स निकल जाएंगे, तो अच्छे से पकेगा भी नहीं। अब हम इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। देख सकते हो मेरा कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे थे इसके लिए, थोड़े से इसमें ऐड करूंगी मैं उसको। मेरा कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है, अब ये ठंडा हो गया है। देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी इसमें, ये मैंने बनाना छोटे छोटे काट लिए थे, इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे के लिए। अगर आप जल्दी ठंडा करना चाहो तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हो और ऊपर से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, देख सकते हो कितना अच्छा बन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स और हम इसको उसके बाद सर्व करेंगे। और देख सकते हो कितना अच्छा बना है मेरा कस्टर्ड।
तो फ्रेंड्स आज ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।